नमस्कार, मुझे अमोल पालेकर कहते हैं। आई एम विथ यू ऑन 92.7 बिग एफएम। आपसे मैं मुंबई में कई बार मिल चुका हूं, लेकिन पुणे जो अब आपका शहर है जहां आप रहते हैं, वहां आपसे मिलने का पहली बार मौका मिला है, तो ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझे लग रहा है कि आप यहां क्यों रहते हैं। बहुत शांति है और कुछ तो बात है। मैं सुबह उठता हूं तो पंछियों की चहचहट ही सुन के उठता हूं, एंड देन थ्रू एनी ऑफ माय विंडो टू बी एबल टू सी ओनली ग्रीनरी अराउंड, इससे बड़ा प्लेजर क्या हो सकता है। और ये मैं इतना पूरा अनुभव कर रहा हूँ इतने सालों से। आई एम रियली हैप्पी। तो मैं अब इसके काफ़ी साल पहले जाता हूँ जी, जब आप स्कूल में थे या पढ़ाई कर रहे थे और आप मुंबई में थे। मैं पूरा बम्बैया, बॉर्न ब्रॉट अप, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू से वेहीमेंटली दैट वांट टू डाई इन मुंबई। क्या मुंबई था, मतलब उस समय तो बॉम्बे रहा होगा ही, क्या था, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ पिक्चर्स को देख के भी। बॉम्बे वॉज़ अ वंडरफुल सिटी। देर वॉज़ अ कल्चर विच वॉज़ कॉल्ड ईरानी होटल कल्चर, विच वॉज़ रिलेटेड टू मॉर्निंग। सुबह ईरानी होटल में जाके 5-6 दोस्त इकट्ठा होके चाय पीते थे। वो चाय स्पेशल चाय होती थी, पानी कम चाय बोलते थे, वो पानी कम चाय। एंड देन ऑन इफ देर इज सम सेलिब्रेशन तो उसके साथ ब्रुन मस्का। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ योर डेली रूटीन। एंड द लवली पार्ट ऑफ इट वॉज चाय पीते 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 आप कितना समय बैठे हैं और क्या। उसमें बीच में पेपर भी आ जाता था, पेपर पे फिर बहस होती थी, चर्चा होती थी। मान लो आप आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा सुबह बैठ के, द बिगेस्ट प्रोटेस्ट द ओनर वुड कन्वे टू अस कि आप अभी बहुत टाइम बैठे हो, हाँ थोड़ा बाकी लोगों को भी बैठने दो। ये कहने के लिए ही वुड ओनली स्विच ऑफ द फैन। दैट वॉज अ हिंट कि प्लीज़ आप थोड़ा अभी दूसरों को बैठने के लिए जगह दीजिए। नाउ दिस वॉज द सो ब्यूटिफुल, अनऑब्ट्रूसिव एंड वेरी वेरी वॉर्म स्पेस। That was essential part of Bombay. In your childhood. Yes. All right. उस समय एक पढ़ते पढ़ते या तस्वीरों को देखते हुए एक चेंज मुंबई में दिखाई देता है। उस चेंज को आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे? मैं जब कॉलेज जाना शुरू किया, आई वॉज स्टडिंग इन JJ स्कूल ऑफ आर्ट, तो घर से निकल के ट्रेन पकड़ के VT तक जाना और VT से फिर पैदल कॉलेज जाना। इस दौरान माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द आर्किटेक्चर अराउंड बॉम्बे, फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज शुरू हुआ था और बारिश के दिनों में, तो हमारे जो डीन थे उन्होंने एक दिन यंग स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और बोलो चलो हम बाहर जाते हैं। तो हम लोग निकले उनके पीछे और उनके साथ चलते चलते हम लोग विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, उसके सामने उन्होंने अपना फुटपाथ पे डेरा डाला और वहाँ उन्होंने छोटी सी ईजल निकाली, ये किया, एंड ही स्टार्टेड गिविंग अस अ डेमॉन्स्ट्रेशन। एंड आई स्टिल रिमेंबर ही पेंटेड दैट विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन और रास्ता, ये वो सब। इट वॉज सिंपल लैंडस्केप, बट वॉट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, उन्होंने पूरे एटमॉस्फियर में वो जो बारिश हो जाने के बाद भी आपको फील रहता है कि इर्द गिर्द बारिश होने वाली है या है, वो फील और रास्ते अभी पूरे गीले हैं, ये सारा फील उन्होंने उस इसमें आधे घंटे में इतनी सहजता से पकड़ा। एंड वाइल वॉचिंग दैट आई ऑल्सो रियलाइज कि मैं रोज़ इसी स्टेशन पे उतरता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, लेकिन इस स्टेशन का ग्रैंडर, इस स्टेशन का मैग्नीट्यूड, इस स्टेशन का और पूरा जो इतिहास है, ये तो आज पहली बार मुझे दिखाई दिया। नाउ दिस अवेकनिंग टू ऑल दिस योर सराउंडिंग्स, मुझे बाद में आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि
हमने कभी अपने आसपास की चीज़ों को ऐसे देखा ही नहीं होगा. और आजकल तो वो इतना गंदा हो गया है, ऑल यू सी इज होर्डिंग्स एवरीवेयर, हमारी नज़र पहुंच ही नहीं पाती. और वो एक दौर वो भी रहा होगा जब आप जे जे स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो इंटरेस्ट भी डेवलप होता है उस एज में, तो सिनेमा से वाकफियत होती है, थिएटर से वाकफियत होती है. तो उस समय कौन कौन से सिनेमा थिएटर या हॉल जिसमें अक्सर जाया करते थे सिनेमा देखने? कॉलेज जे जे स्कूल ऑफ आर्ट होने के नाते ऑल दीज थिएटर्स वेयर देयर एंड देन सो माई विजिट्स यूज टू बी मोर फॉर इंग्लिश सिनेमा दैन हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा. लेकिन उससे जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी याद मुझे है. फिल्म देखने के लिए हम लोग एक रुपया वॉज फॉर एन्जॉइंग दैट एंटायर एक्सपीरियंस. आई विल टेल यू, टिकट होती थी 10 आने की, उसके बाद 4 आने में कोका कोला मिलता था और 2 आने फिर भी बचते थे. वो जाने आने के लिए अगर आपको बस में जाना है या कुछ करना है, या वो 2 आने मैं बचा के रखता था क्योंकि सब जगह पैदल जाना है इधर उधर, तो 2 आने बचा के वो करते करते एक और शो इकट्ठा करके 10 आने में देख सकते हैं. दिस वॉज द फन पार्ट ऑफ इट.